नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके सामने मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी लेकर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बासी बची हुई रोटियों से झटपट तैयार होने वाला नाश्ता। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है 4 रोटियाँ और साथ में मैंने लिए हैं 1 बड़ा प्याज मीडियम आकार में कटा हुआ, 1 बारीक कटा हुआ आलू, करी पत्ते और 3 से 4 हरी मिर्च। मसालों में हमने लिए हैं सरसों के दाने 1/2 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार और 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए बारीक कटे हुए प्याज, धनिया पत्ती और टमाटर। सबसे पहले रोटियों को हम बड़े टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब हम एक मिक्सर लेकर इसमें रोटियां डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसे चला देंगे। देखिए, हमारी रोटियां बिल्कुल पोहे की तरह लग रही हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है और गैस ऑन कर दिया है। इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी राई के दाने। इसे हम तड़कने देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी करी पत्ते, बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्च। इसे हम चम्मच से चला लेंगे, अच्छे से मिला लें। हल्का सुनहरा होने तक हम इसे भून लेंगे। ये देखिए, प्याज का कलर सुनहरा हो चुका है। अब हम इसमें आलू के टुकड़े डाल देंगे। और चम्मच से चला लेंगे। अब हम इसे 1 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। दोस्तों, मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल करती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। नमक अभी हम थोड़ा ही डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। इसे हम चम्मच से अच्छी तरह से चला लेंगे और हल्का भून लेंगे। हमारे मसाले का कलर कितना बढ़िया दिख रहा है, देखिए। अब हम इसमें बारीक रोटी के टुकड़े डाल देंगे। इसे अच्छे से चम्मच से चला लेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। और साथ में डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी, ताकि हमारी रोटी के टुकड़े बढ़िया मॉइस्ट रहें। अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। दोस्तों, 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं हमारी डिश कितनी अच्छी लग रही है। देखिए, इसे हम चम्मच से अच्छे से चला लेंगे। हमारी डिश रेडी है, इसे हम हरी धनिया से सजा देंगे। अब आइए करते हैं प्लेटिंग। रोटी के पोहे रेडी हैं। इसमें गार्निशिंग के लिए डालेंगे बारीक कटा प्याज, कटे हुए टमाटर,
हरी धनिया की पत्तियाँ और कटे हुए नींबू के टुकड़ों से इसे सजाकर परोसेंगे। दोस्तों, मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।